श्री शिवाय नमस्तु व्यम हर हर महादेव। क्षण की भक्ति भी व्यक्ति को खाली नहीं बेचती। उनका एक क्षण का किया गया भजन, एक क्षण का किया गया स्मरण, एक क्षण की करी गई अविरल भक्ति खाली नहीं जाती। शिव को भजने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि भगवान शंकर को अगर हमें रिझाना है, भगवान शिव की अगर हमें भक्ति करना है, भगवान शंकर के ये भक्त नहीं कर रहे थे इसे, भगवान शंकर की अगर हमें भक्ति करना है, भगवान शंकर का यदि हमें स्मरण करना है, हमें बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। शंकर की भक्ति करने के लिए, भगवान शंकर का भजन करने के लिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए हम अपने घर में रहकर दिल से अगर शंकर भगवान को याद कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे हैं, दिल से हम भगवान को पुकार रहे हैं, शिव दौड़ कर आ जाते हैं। एक देवता का तो एक धाम होता है, भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का वैकुंठ धाम है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक धाम है, इंद्र का इंद्रलोक धाम है, गरुण वरुण का अपना अपना धाम है। केवल एक ओघड़दानी भगवान शंकर ऐसे हैं जिनका एक धाम नहीं है, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे शंकर का है, संपूर्ण ब्रह्मांड। राम जी अयोध्या के राजा हैं, द्वारकाधीश द्वारका के राजा हैं, ब्रज में भगवान कृष्ण राधा रानी राज्य करते हैं, वैकुंठ में भगवान नारायण राज्य करते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी राज्य करते हैं, सर्व जगत में सारे देवताओं का अपना अपना एक स्थान नियुक्त है, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर केवल एक ऐसे हैं जिनका तलातल से लेकर रसातल, रसातल से लेकर पाताल, पाताल से लेकर जो भी जितने लोग हर जगह पर मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव का निवास है, और अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए मेरे शिव दौड़कर उसके पास पहुंच जाते हैं। बस शंकर भगवान को आडंबर से दूर रखा गया। मेरे ओघड़दानी को मेरे शंकर भगवान आडंबर से परे, फिरोजाबाद की इस पवित्र कथा का एक बात तो आप लोगों से जरूर कहूंगा कि लाखों की जनता है, लाखों की भीड़ है, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर सब दूर भक्त बैठे हैं, पर जब कथा श्रवण करने का समय आता है आप लोग एकदम साइलेंट हो जाते हो, एकदम चुप होकर भगवान की कथा को अपने भीतर उतारते हो।
और यही शिव भक्ति है। 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये तुम खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे हो, 50 रुपये 100 रुपये खर्च कर कर तुम यहाँ आए हो, और आने के बाद अगर आप व्यर्थ की चर्चाओं में पड़ जाओ तो तुम्हारा इतनी दूर तक आना और भगवान से दिल लगाना व्यर्थ गया। शिव को कहीं पर भी बैठकर, शंकर को कहीं पर भी जाकर, भगवान शंकर का कहीं पर भी बैठकर भजन कर कर शिव को प्राप्त कर सकते। कहते हैं जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदलती है। आपने इधर की करवट ले ली तो इधर की दिशा हो गई, उधर की करवट ले ली तो उधर की दिशा हो गई। आप इधर की ओर मुख कर कर सोए, इधर की दिशा हो गई। आप उधर मुख कर कर सोए तो उधर की दिशा हो गई। इंसान करवट बदलता है तो केवल दिशा बदलती है, और भोले बाबा की जब कृपा होती है, शिव महापुराण की कथा जब हम श्रवण करते हैं, पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं या टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से भगवान शंकर की कथा को अपने भीतर उतारते हैं, इंसान करवट बदलता है तो दिशा बदलती है, और शिव महापुराण के बाद जब वक्त कर्मठ बदलता है तो आदमी की दशा बदल जाती है। दिशा बदलना और दशा बदलना, दोनों में अंतर, बहुत अंतर। दिशा कितनी भी बदलो, कभी इधर का मकान तोड़कर इधर बना लो, कभी दुकान तोड़कर उधर बना लो, कभी गाड़ी की दिशा इधर कर लो, कभी मुख की दिशा उधर कर लो, कभी सोने की दिशा इधर कर लो, कभी हमारा पलंग इधर कर लो, कभी सोफा उधर कर लो, दिशा कितनी भी बदल लो, दिशा बदलना मुख्य नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मनुष्य की दशा बदलना चाहिए, और दशा बदलने के लिए कहीं हमें नहीं जाना है। दशा बदलने के लिए केवल दो कार्य करना है, एक अपनी मेहनत चारगुनी करना है और दूसरा भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना है। दशा बदलना, करमट बदली, दिशा बदल गई। मनुष्य करमट बदला तो दिशा बदली है, और वक्त करमट बदला है तो दशा बदली। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, हमारे वक्त को बदल देता है, दशा को बदल देता है। और मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से निवेदन है, एक बात याद रखिएगा, अपने भीतर उतार कर रखिएगा। आज शरद पूर्णिमा है, कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। तुमको जगह लग रहा है कि मेरे दशा नहीं बदल रही, मैंने दिशा बदल कर देख लिया, मैंने घर का रुख बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, सब कुछ बदल कर देख लिया, आज साउंड सेट नहीं है, तुमने घर का फर्नीचर बदल कर देख लिया, सब कुछ बदल कर देख लिया, तो अब एक महीना शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक नियम बना लो, एक चावल का दाना, केवल एक, ज्यादा नहीं, केवल एक, एक चावल का दाना जो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है सामने, एक चावल का दाना जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, बस उस पर एक चावल का दाना चढ़ाने का एक नियम आप बना लीजिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? कौन कौन जाता है जरा हाथ उठाओ सभी लोग। हाँ ठीक है, रखो रखो, धन्यवाद, प्रणाम आपको, नमन।
जो आप भगवान शंकर के मंदिर जाते हो। बहुत जरूरी है शिव के मंदिर जाना, भगवान के मंदिर जाना। ये विधर्मियों ने जो हमारे मंदिरों को पूर्व में तोड़ा है ना, उसका कारण कोई दूसरा नहीं था, उसका केवल एक ही कारण था कि हमारे सनातनियों ने मंदिर जाना छोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने तोड़कर अपना अपना स्थान बना लिया। अगर सनातनी मंदिर जाता रहता, आप मंदिर की देहली चढ़ते रहते, रोज मंदिर में एकाग्रित होते रहते, मंदिर में इकट्ठे होते रहते, तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी कि मंदिर की ओर आंख उठाकर भी देख ले। शिव महापुराण की कथा केवल एक ही काम करती है कि रोज मंदिर जाओ। जो हमारे मंदिरों में से मूर्तियों को तोड़ा गया, हमारे मंदिरों में से सोना निकाल लिया गया, हमारे मंदिरों को खंडित कर दिया गया, उसका कारण केवल एक था कि सनातनियों ने मंदिर जाना छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि इन विधर्मियों ने ऐसी चाल चल दी थी कि मंदिर मत जाया करो, भगवान नहीं है, देवता नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, और लोगों ने अपनी चाल चल चल कर तुम्हें मंदिर से दूर कर दिया और उन्होंने मंदिर पर कब्जा कर लिया। रोज जाओ मंदिर शिव को जल चढ़ाने के लिए। तेरे मन मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कभी तो सुनेगा, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के बीच में एक नियम बना लो कि मैं जल चढ़ाने रोज जाती हूं, एक चावल का दाना मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगा, केवल एक। चावल का दाना समर्पित कब करना है? जब आपका शंकर भगवान पे जल समर्पित हो जाए, शिवजी पर जल आप चढ़ा लो। चढ़ाने के बाद वो चावल का दाना जो आप अपनी पल्लू में बांध के लाई हो या गठरिया में बांध कर लाई हो या जो जैसे भी भाव से आप लेकर आई हो, डलिया में, पल्लू में, जैसे आप लाए, वो चावल का दाना बांध। उस एक चावल के दाने को एक महीने तक आप रोज एक चावल का दाना लेकर जाओ, रोज चढ़ाओ, अपनी कामना कर कर। बाबा मैंने दिशा बदल कर देख ली, दुकान बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया, घर बदल कर देख लिया, काम बदल कर देख लिया, पर मेरी दशा नहीं बदल रही। अब ये मैंने चावल का दाना, चावल का मतलब होता है अक्षत। सबसे पहला अक्षता, सबसे पहला अक्षता। कभी अगर मौका मिलेगा ना तो ऐसी ही कोई शिव महापुराण की कथा में हम जो कल्याण के अंक पढ़ते हैं, जिन जिन कल्याण को हम पढ़ते हैं, कल्याण का अंक जो निकलता है उसको हम पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें मिलती हैं। कभी अगर मौका मिलेगा तो एक बार कल्याण का अंक शिव का हम आपको एक एक पृष्ठ का दर्शन कराएंगे कि उस पृष्ठ पर क्या लिखा। स्वयं अन्नपूर्णा महारानी काशी में विराजमान होकर नंदी पर बैठ कर आए हुए देवाधिदेव महादेव की साक्षी में कहती है, स्वयं अन्नपूर्णा महारानी काशी की पवित्र भूमि पर नंदी पर बैठ कर आए हुए भगवान शंकर से कहती है, भोले बाबा, हे शिव, हे शंकर, हे विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाले हे विश्वनाथ, मैं आपको क्या दूं? मैं आपको क्या प्रदान करूं? अन्नपूर्णा महारानी कहती है कि मैं आपको क्या दूं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो जाए और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो जाए और मेरी भी दशा बदल जाए। मैं आपको क्या दूं, क्या प्रदान करूं मैं आपको?
दुनिया के लोग कहते होंगे कि भगवान को सोना देना, चांदी देना, हीरा देना, पन्ना देना, रतन देना, आभूषण देना कल्याण का अंक कहता है। अन्नपूर्णा जी कहती हैं कि मुझे आपको क्या प्रदान करूं। भगवान शंकर मुस्कुरा कर कहते हैं, अन्नपूर्णे केवल एक अक्षता तुम मुझे देती है तो मैं तुझे तेरी दशा भी बदल सकता हूँ और तेरी दिशा भी बदल सकता हूँ और तुझे अन्नपूर्णा माता के स्वरूप में पुजवा भी सकता हूँ। तिलक लगाती हैं तो चावल लगाती हैं कि नहीं लगाती हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। लगाती हैं ना, तिलक में चावल लगाया जाता है। चावल का मतलब क्या होता है? तिलक लगाने के बाद अक्षत क्यों लगाया गया? उसका कारण यह है कि भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि ये जो मैंने चावल का मतलब होता है कि ये घड़ी वापिस देखने को मिले। आज मैं अगर यजमान बना हूं, आज अगर मैंने आज पूजन करी है, आराधना करी है, यज्ञ करा है, अनुष्ठान करा है, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करी है, मैंने कोई हवन करा है, पंडित जी ने तिलक लगाया, चावल लगाया, चावल का मतलब है कि ये बार बार यजमान बनता रहे, ये बार बार ऐसी कृपा भगवान करे कि इसके ऊपर ऐसी करुणा हो कि ये बार बार कथा कराते रहे, ये बार बार यज्ञ कराते रहे, ये बार बार अनुष्ठान कराते रहे। अक्षत का मतलब पुनरावृत्ति, बार बार हो। सनातन धर्म में किसी के मरने के बाद में 10 दिन तक मस्तक पर तिलक नहीं लगाकर चावल नहीं लगाया जाता। बोल, लगाते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि यह जो घटना घट गई, अब भगवान इस घटना के बाद दूसरी घटना ना घटाए, इसलिए चावल का प्रयोग ही नहीं, अक्षत का प्रयोग ही नहीं। मस्तक पर तिलक के बाद फिर चावल नहीं। एक अक्षता, एक बेलपत्र और एक लोटा जल, यह हमारी जिंदगी की सार्थकता है। एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, यह हमारी जिंदगी की सार्थकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, सबको स्मरण में है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो चावल का दाना कब चढ़ाना है? जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित कर, जल समर्पित करा, अपने घर की ओर आ रहे हैं, उसके पहले चावल का दाना अपनी पल्लू में से खोल कर निकाला, चढ़ाया, भगवान को प्रणाम करा, बाबा बहुत कुछ कर कर देख लिया पर दशा नहीं बदली, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा डोर हंतो छड़ना में कटी जावांगी भोले मैं तेरी पथ शंभो मैं तेरी पथ हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा डोर हंतो छड़ना कंटी जावांगी। एक अक्षत, एक चावल का दाना। चलो जाने दो सतयुग की इस कथा को, सतयुग की इस कथा को अपन मान लो छोड़ दो, अब आ जाओ अपन द्वापर की कथा में। भागवत जी किस किस ने सुनी है, हाथ उठाओ जरा, सबने सुनी है। भागवत जी में एक चरित्र आता है, भगवान कृष्ण के एक परम मित्र थे जिनका नाम सुदामा था। गुलाब जामुन लेकर गया था वो भगवान द्वारकाधीश के पास, इमारती समोसा कचौड़ी पूड़ी भजिया सब्जी तरकारी
फूल दुर्वा बेलपत्र कुछ लेकर गया? नहीं गया। द्वारकाधीश के चरणों में क्या लेकर गया था? दुनिया के लोगों ने कहा कि एक मुट्ठी चावल से, दो मुष्टिक चावल से भगवान ने तीन लोक का राज्य दे दिया। अरे वो तो तीन मुष्टिक चावल था सुदामा, यदि एक दाना भी चावल द्वारकाधीश पास ले जाता तो द्वारकाधीश भंडार भर देते। द्वारकाधीश भंडार भर देते, वो तो चावल का एक दाना भी अगर लेकर पहुंचता तो वो भंडार भर देते। एक दाना चावल भी बहुता में हो जाता, बहुत। इसीलिए शास्त्र में वर्णन आया, इसीलिए शास्त्र वर्णन किया। राधा जितनी रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना उतना रोया है सुदामा के। इसलिए स्मरण उसका है मारे, उनकी स्मरण चित्त में, उनकी भक्ति में, उनकी विरल भक्ति में शिव तत्व की प्राप्ति हो। एक चावल का दाना भी भगवान शंकर के विरल भक्ति को प्रणाम, एक चावल का दाना भी भगवान शिव की भक्ति का सुख प्रदान कर देता है, एक चावल का दाना। और राधा जितनी रोई रोई काना के लिए, राधा जितनी रोई रोई काना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के। राधा जितनी रोई रोई काना के लिए, राधा जितनी रोई रोई काना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया सुदामा के। एक चावल का दाना, हम सतयुग की बात करें तो ये अन्नपूर्णा और माँ अन्नपूर्णा और भगवान शिव विश्वनाथ का चरित्र पढ़ रहे हैं, और अगर हम द्वापर की बात करें तो एक द्वापर की चर्चा में, द्वापर की बात में भगवान कृष्ण और सुदामा का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। एक चावल का दाना सम्मुख में क्या करेगा अक्षत? चावल का एक दाना क्या करेगा, क्या कर सकता? शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये एक चावल का दाना नहीं है, शिव महापुराण की कथा कहती है ये एक चावल का दाना नहीं है, शिव महापुराण की कथा कहती है ये हमारा एक निर्मल मन है, चावल की तरह सफेद साफ सुथरा, ये हमारा मन है जो हमने भगवान शंकर को अशोक सुंदरी के माध्यम से शिव तक पहुंचा दिया, शिव तक दे दिया। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, पूरा एक महीना जब जिसको समय मिलता है वो पहुंचता है और बाबा के दरवाजे पर दीप लगा कर आता है, कुबेर भंडारी के यहाँ दिया जला कर आता है। क्यों? एक विश्वास के बल पर, एक भरोसे के बल पर। और अगर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, अभी हम कल जा रहे थे तो
यहाँ से वो फिरोजाबाद के लिए पुल के नीचे से निकलते हैं, तो वहाँ ऐसा हाथ जोड़ा हुआ है, एक चौराया बना हुआ है, ऐसा हाथ जोड़ा हुआ। उस चौराहे पर एक ऑटो आगे आगे चल रहा था, ऑटो के पीछे लिखा हुआ था, कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। पढ़ा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो सही, पढ़ा। ऑटो के पीछे लिखा था, कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। आज हम भी आपसे कहते हैं, कदम बढ़ाने के लिए हमसे संपर्क करें। कद बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाना जरूरी है। बढ़ते रहोगे, आगे चलते रहोगे, मंजिल तक अगर पहुंच गए तो हाइट से भी छोटे रह गए ना, तो भी लोग तुम्हें सलाम ठोकेंगे। हाइट से भी कम रह गए ना, कद केवल हाइट का नहीं होता है, केवल हाइट का कद नहीं है। कदम बढ़ाइए, हिम्मत मत हारिए। एक पत्र है, मैं सपना कुमारी निवासी जरोती खुर्द की रहने वाली हूँ, जिला फिरोजाबाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जरोती खुर्द फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा भाई 3 सालों से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन वही कामयाब नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरे भाई ने ये विचार कर लिया कि अब मैं क्या करूँ। हमारी मौसी ने आपके बारे में बताया, तब हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, भोले बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा, मेरे भाई ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरे भाई ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, और पशुपतिनाथ का व्रत जब मेरे भाई ने किया, बेलपत्री और शहद का प्रयोग किया, मेरे भाई ने कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर आगे बढ़ना है, आपकी बार मैं पुलिस का फॉर्म भरता हूँ और पुलिस का फॉर्म भरूंगा और खूब मेहनत करूंगा, कथा सुनूंगा, मंदिर जाऊंगा और एग्जाम देने जाऊंगा, तो एक बेलपत्री पर शहद लगा कर जाऊंगा। आज भी उसने जो पत्र भेजा है उसमें शहद से बेलपत्री चिपका कर भेजी है, टीवी पर आप लोग देख सकते हैं। आज भी उसने शहद से बेलपत्री चिपका कर भेजी है, उस पत्र के साथ LED चल रही है तो उस पर भी आप लोग देख सकते हैं, पत्र पर बेलपत्र, शहद का पत्र, शहद का बेलपत्र लगाकर जाऊंगा। और गुरुदेव, मैं बाबा को क्या धन वर्णन करूं गुरुदेव, 1 जुलाई 2024 को मेरे भाई दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गया, मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। कदम, एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम भारती भरद्वाज है, जिन्होंने ये पत्र लिखा था, अगर वो बैठी हो, सपना कुमारी जी जरोती खुर्द की रहने वाली हैं, फिरोजाबाद की, आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। एक भारती भरद्वाज फिरोजाबाद की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो आप ही हैं, आ जाइए एक बेलपत्र ले, आ जाओ एक बार हाथ हिला दो वहीं से। श्री शिवाय नमस्तु। मैं फिरोजाबाद की निवासी हूँ भारती भरद्वाज, बाबा के चरणों को प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। 2020 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया गुरुदेव। 2020 से कथा सुन रही हूँ, बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। एक बेलपत्र शहद लगाने से क्या होता है, मेरे बेटे ने जो किया मैं आपको बता रही हूँ। ना मेरे बेटे ने कोचिंग करी, ना मेरा बेटा कहीं कोचिंग करने के लिए गया, ना ट्यूशन पढ़ने के लिए गया। आपकी कथा सुनते सुनते मेरे बेटे ने संकल्प ले लिया कि मैं घर में मेहनत करूंगा, और सियोर वाला महाराज कहता है कि अपने मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, पढ़ूंगा भी, शारीरिक मेहनत भी करूंगा और शंकर के मंदिर भी जाऊंगा। शंकर भगवान के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, मेहनत करता, पढ़ाई करता, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं
क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जिस दिन मेरे बेटे ने फार्म भरा, मुझसे कहा माँ आज पहली बार फार्म भर रहा हूं और मुझे बाबा पर भरोसा है कि मेरा बाबा मुझे सफलता देगा। शंकर को बेलपत्र पर शहर लगाकर पेपर के लिए चले गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बेटा एयरफोर्स में लग गया और आसाम में उसकी जॉब है। मैं भगवान शंकर को प्रणाम करने के लिए आया। एक विश्वास, ऑटो के पीछे लिखा है कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें। हम व्यासपीठ से कह दे कदम बढ़ाने के लिए संपर्क करें। पीछे नहीं हटना है हमको। आपने अपने दिल से सोच लिया ना कि मुझे 12th पास करना है, मुझे साइंस लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे ये करना है, मुझे इसमें जाना है। कलेक्टर बनने वाला भी इंसान है, एसपी बनने वाला भी इंसान है, एसडीएम बनने वाला भी इंसान है, मंत्री बनने वाला भी इंसान है, कमिश्नर बनने वाला भी इंसान है और बड़े से बड़े अहदे पर बैठने वाला भी इंसान है, कोई दूसरा नहीं। इंसान का मतलब है कि उसको मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करोगे, आप अपने लगनता से काम करोगे, खूब पढ़ोगे, खूब मेहनत करोगे, तो दुनिया में ऐसा कोई पद नहीं जो तुम्हारा चरण ना चूमे, वहां बैठ सकते हो। कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? अजय, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? ओ पालनहारे निर्गुण प्यारे, तुमरे हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिना हमारा कौन। दुनिया में कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सकता? बस मेहनत करना। ऑटो पर लिखा है कद बढ़ाने के लिए संपर्क करें, हम कहते हैं कदम बढ़ाने के लिए शिव महापुराण को संपर्क करें। शिव पुराण आपको वो बल देगी, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव महापुराण वो बल देगी कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे जरूर और अपना लक्ष्य निश्चित कर कर चलना है। बढ़ो, चलो। माताएं कहती हैं गुरुजी बहुत तकलीफ चल रही है, कष्ट का जीवन है। माताएं कहती हैं गुरुजी बहुत तकलीफ चल रही है, कष्ट का जीवन है, बहुत बहुत दुविधा का जीवन है, बहुत दुख का जीवन। आप मेरी जीजी हो, माताएं कहती हैं बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ है गुरुजी। आप हमारी जीजी हो, आप हमारे जीजा हो, हमारी बेटियां, हमारे बेटा, हमारी माताएं, हमारे भाई बंधु, स्मरण करिएगा किसकी जिंदगी में दुख नहीं है, कोई बता दे। भगवान राम भी अगर पृथ्वी पर जन्मे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख था। भगवान कृष्ण अगर पृथ्वी पर जन्मे हैं तो उनकी जिंदगी में भी दुख था। इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसके सामने दुख सामने चलता है, दुख सामने, तकलीफ सामने चलती है।
लोग कहते हैं मैं बड़ी दुखी हो गई, मर जाऊं तो अच्छा। मरना हर चीज का एक निर्णय नहीं है कि मर गए, मर गए वापिस जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा। अपनी ड्यूटी पूरी करो ना। इतने सारे कमलेश बैठे होंगे, अभी हम कहें कि यहाँ कितने कमलेश बैठे हैं, जिसका नाम कमलेश हो वो हाथ उठाओ तो अभी ढेर सारे हाथ उठ जाए। फिर हम कहें कि लीलाबाई कितनी बैठी है तो लीलाबाई हाथ उठाए तो ढेर सारी हो जाए। फिर हम कहें कि यहाँ रमेश कितने बैठे हैं तो लोग हाथ उठा दें कि हम रमेश हैं। कोई हम कहते हैं कि विपिन कितने बैठे हैं तो लोग विपिन हाथ उठा दे। तुम भरी सभा में से निकल कर जा रहे हो, आवाज लगा दो एक बार जम के, विपिन 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 विपिन, कितने विपिन इकट्ठे हो जाएंगे। पर तुम्हारे पास वो ही विपिन आएगा जो तुम्हारा है, दूसरा विपिन आएगा लीला लीला लीला, आवाज लगा दो ढेर सारी लीला खड़ी हो जाएगी, पर लीला वो ही आएगी जो तुम्हारी अपनी है। उसी तरह भगवान को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, नमः शिवाय बोलते रहो, ओम नमः शिवाय बोलते रहो, राम नाम कृष्ण नाम बोलते रहो, जपते रहो। एक ना एक दिन वो शंकर तुम्हारे पास दौड़कर जरूर आएगा, तुम्हारे करीब जरूर आएगा, ये निश्चित है। अब पुकारो उसको। जब हम उसको दिल से पुकारें वो क्यों ना दे। पर एक निवेदन है, चावल का दाना देने वाली मेरी जीजियों से, चावल का एक दाना समर्पित करने वाले मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, वो चावल का दाना नहीं है। वो एक एक लाइन आप लोग गुनगुनाते ना, फूल नहीं ये मेरा, जम के तो बोलो फूल नहीं मेरा दिल है। उसी तरह भगवान शंकर से कहना ये चावल का दाना नहीं। सुदामा जी ने चावल की पोटली जब भगवान द्वारका नाथ ने ले ली, वो चावल की पोटली नहीं थी, चावल के दाने से और चावल की पोटली को देखकर भगवान द्वारका नाथ सुदामा की दशा जान गए थे। चावल का दाना नहीं है, वो तुम्हारे घर की दशा है जिसको भोलेनाथ को बदलना है। वो चावल का दाना नहीं है, वो तुम्हारे घर की दशा है जिसको भोलेनाथ को बदलना, शिव को बदलना। विश्वास दिया गया भगवान के बरु। एक पत्र है, मेरा नाम सीमा शर्मा, पति कृष्णकांत शर्मा, प्रकाश नगर, मुरसान रोड, सादाबाद, हाथरस से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया है साथ में, ले आइए। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 3 साल पहले मेरा 9 साल का बेटा एक गंभीर बीमारी से मर गया। 9 साल का बेटा चले गया, बहुत दुखी हो गए, दिन रात रोती रहती। मेरा 9 वर्ष का बेटा चले गया, कुछ भी नहीं बचा। अब जीने का सार तत्व क्या है, किसके आश्रित होकर जीऊं, अंदर से टूट गई। तब मेरी जेठानी ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया और कहा कि एक बार पंडित प्रदीप मिश्रा कथा बाजते हैं, उनकी कथा तो सुन। तू आसन लगाकर, मेरी जेठानी ने खुद आसन लगाया और आसन लगाकर मुझे कथा सुनने के लिए बिठा दिया। 2022 में पहली बार टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी, रोती जाती और कथा सुनती जाती। 9 साल का मेरा बेटा चले गया। गुरुदेव आपने सावन के महीने में शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन कराया, मैंने आसन लगाकर पूजन किया, टीवी के सामने बैठकर विधि विधान से जैसा आपने कराया वैसा मैंने पूजन किया। बाबा से विनती करी, बाबा कुछ तो कृपा करो, तो भी मुझे मेरा बेटा चाहिए, बस ऐसी कृपा आप कर दीजिए। बाबा आसन लगाकर रोज कथा सुनती, बाबा पर मेरा इतना विश्वास हो गया क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी थी, तो मेरे बाबा पर भरोसा कर लिया कि मेरा बाबा मेरी गोदी फिर भरेगा।
गुरुदेव कनू तो कनू क्या, तब सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। अपनी ननंद ने मुझसे कहा कि एक काम करो, नोएडा में कथा हो रही है 2023 में, आप यहां आ जाओ। मैं अपनी ननंद के घर चली गई और एक दिन की कथा नोएडा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी। नोएडा के पंडाल में जब मैंने कथा सुनी, मैंने बाबा से कहा, बाबा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले की झोली तू भरता है। आज ये मिट्टी मैं बाबा प्रणाम कर जाती हूँ अपने मस्तक से लगा कर कि मेरा भी गर्भ जरूर ठहराना, मेरा 9 साल का लड़का चले गया उसको वापिस लौटाना। बाबा को प्रणाम करा, वहाँ से आई, 15 दिन बीते और बाबा की कृपा ऐसी हुई। कुछ समय के बाद पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 21/2/2024 को वापिस मेरा बेटा मेरे बाबा ने मुझे लौटा दिया और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बेटे का फोटो लगा रही हूँ, बेटे को लेकर यहाँ आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल काशी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, आप उससे अपने दिल की बात कहने के लिए जब जागरूकता के साथ भगवान से अपने मन की बात एक अक्षत के माध्यम से कहते हैं, वो सुनता है। कौस, फिर वही वाली बात आ गई, फूल तुम्हें भेजा है मैंने, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं, जम के बोलो जरा, मेरा दिल। बस उसी तरह एक चावल का दाना मेरे घर की दशा देख लेना मेरे भोले बाबा। और मैंने सुना है कि कार्तिक के महीने में अशोक सुंदरी अपने पिता के घर में रहकर माता लक्ष्मी की गोद में धन देती है, मैंने सुना। तो मेरे बाबा आप ये अशोक सुंदरी से कहकर मेरे भी गोदी में ऐसी खुशियां भर देना कि जीवन में कभी दुख ना आए। एक चावल, एक अक्षत। विश्वास, भरोसा शिव तत्व की ओर। जब हम अपने भरोसे को दड़ी बना लेते हैं, जब हमारे विश्वास को हम दड़ी बना लेते हैं, जब हमारे भरोसे को हम प्रबल बना लेते हैं, तो शिव क्यों ना सुने, शंकर कैसे ना सुने। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तेरा अविरल भक्ति की और एक विश्वास के साथ दड़ी, भरोसे के साथ। हमको खुद नहीं मालूम कि मेरा भोला बाबा
मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी शंकर क्या देता है? बस भरोसा दृढ़ी हो, भरोसा दृढ़ी हो तो महाकाल करीब होता है, भरोसा दृढ़ी हो तो मेरा कुबेर भंडारी करीब होता है, भरोसा दृढ़ी हो तो दुनिया का सारा काम होता है, और भरोसा दृढ़ी हो तो शिव का साक्षीकरण होता है। शिव नजदीक केवल दुनिया के लोग सोचे कि दुख हमारे ऊपर आ गया, तकलीफ हमें आ गई, ना ना, राम जी पृथ्वी पर जन्मे, राम जी को तकलीफ आई, भगवान कृष्ण प्रकृति पृथ्वी पर आए, उनको तकलीफ आई, संसार में जन्म लिया है तो दुख तो आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, पर कष्ट में जो ना घबराए वही शिव का भक्त है। और आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपका कष्ट आपको मिटाना है, सियोर वाला महाराज नहीं मिटाएगा। आपकी तकलीफ, आपका कष्ट आपको मिटाना है, दुनिया का कोई बाबा तुम्हारा दुख नहीं मिटा सकता। कोई तुमसे कहते कि वो बाबा जी दुख मिटा देंगे, फालतू की बात है, बाबा जी तो खुद दुखी है तुमसे, काय का दुख मिटाएंगे ना। दुनिया का कोई बाबा कोई महाराज दुख नहीं मिटा सकता, अपना दुख अपने को मिटाना है। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने को छींक आई अपने को छींकना है, अपने को खांसी आई अपने को खांसना है, अपने को हाथ में चोट लगी है तो गोली अपने को खाना है, पेट दुखा दवाई अपने को खाना है, सिर दुखा दवाई अपने को खाना है। तुम्हारा सिर दुखेगा तो क्या पति गोली खाएगा? ईमानदारी से बोलो, नहीं। पति का सिर दुखेगा तो तुम गोली खाओगी? नहीं। जिसका सिर दुखा गोली उसको खाना, जिसका पेट दुखे दवाई उसको खाना, छीक आ रही है तो हमें छीकना, छीक तुम्हें आ रही है, तुम पड़ोसी से करे छीक 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 छीक, पड़ोसी क्यों छीके? हमारी तकलीफ हमें मिटाना, दुनिया में कोई नहीं मिटाएगा। आप अपना दुख अगर मिटाना चाहते हो तो एक लोटा जल लेकर मेरे महादेव के चरणों में जाना प्रारंभ करो, और मेरा बाबा एक ना एक दिन हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दे, दुख क्यों ना मिटेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, तकलीफ क्यों ना मिटेगी? आपके भीतर है कष्ट, है दुख, मिटेगा। पर आज के जमाने में व्यक्ति इतना आलसी हो गया ना कि वो मंदिर जाना भी पसंद नहीं करता, उसको तो क्या चाहिए कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए, कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए कि वो बस ऐसी भभूति फेंके और कहीं से कुछ हंडा निकल जाए। आज के जमाने में लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। अरे तुम जाओगे तो तुम्हें मिलेगा, जाओ ना उस परमात्मा के दरवाजे तक, जाओ उस शंकर के द्वार तक, मेरे बाबा ओघड़दानी के दरवाजे तक, शंकर के शिवालय तक, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाइए। क्यों ना, एक पत्र है। मेरा नाम नंदिनी अग्रवाल, मेरे पति का नाम मोहन अग्रवाल, मैं धौलपुर राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। धौलपुर राजस्थान से आई हूँ, मेरा नाम नंदिनी अग्रवाल, मेरे पति का नाम मोहन अग्रवाल, मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। गुरु जी, मेरे शरीर में कष्ट था, अचानक से तकलीफ बढ़ी, और बाबा पर भरोसा कर डॉक्टर ने तो ऑपरेशन का कहा था मुझे, पर बाबा पर भरोसा कर मैंने बेलपत्र खाकर और जल पीकर गुरुदेव अपने स्वास्थ्य को ठीक करा। बेलपत्री खाती थी तो मुंह में छाले हो जाते थे गुरुजी, मैं बेलपत्र खाती थी तो मेरा मुंह छार छार हो जाता था, मुझे स्वाद नहीं आता था। तब मैंने क्या करा, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र लेकर आती, उसको सुखा लेती, सुखाकर उसको पीस लेती, पीस कर उसका चूरा बनाकर पानी से निगल जाती, फिर मेरे मुंह में छाले भी नहीं आए और मेरे मुख में स्वाद आना भी चालू हो गया। गुरुदेव, कुछ समय निकला और मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, पति के पैर में फोड़ा हो गया, फिर उनके शरीर में गांठ पड़ गई, गांठ का डॉक्टर को दिखाया
तो उसने ऑपरेशन का बोल दिया, जांच का बोला, जांच होगी फिर बाबा के हिसाब से। ऑपरेशन कराकर गठान निकाली, निकाल कर जांच के लिए गई, तब डॉक्टर ने कहा कि इनको बड़ी बीमारी के योग है, कैंसर जैसी बीमारी से। सुनकर हम घबरा गए, इतना दुख हुआ गुरुजी। तब मेरे पति ने कहा कि वो सियोर वाले महाराज कहते हैं कि मंदिर में झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से दुख समाप्त होता है, चल अपन दोनों मंदिर चला करेंगे। क्यों रोती है, बड़ा बीमारी बताइए ना, कोई बात नहीं है। उसने बोला है ना कि ये तो चिंता मत कर, अभी एक रिपोर्ट आना बाकी है, चल मेरे साथ। हम दोनों पति पत्नी मंदिर जाते, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते, बाबा को जल चढ़ाते, आते गुरुदेव बाबा से बस प्रार्थना करते, बाबा कुछ भी कर मेरे पति की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए, बाबा से रोज विनती करते। तभी आपकी कांवड़ यात्रा आ गई सीहोर की, और मैंने अपने पति से कहा कि मैंने सुना है कि सीहोर की कांवड़ भरने से दुख समाप्त होता है, तुम चलो मेरे साथ। हम दोनों पति पत्नी कांवड़ चढ़ाने के लिए चले गए, वहां से कांवड़ चढ़ाकर बाबा को प्रणाम कर वहां से कंकर शंकर लेकर रुद्राक्ष लेकर आ गए, उसका जल पीते। पति भी रोता और मैं भी रोती, रोते रोते समय निकला। फिर हमारी रिपोर्ट, बाबा से हमने कहा बाबा एक जांच की रिपोर्ट आना है जो मुंबई गई है, बस तू कृपा कर दे कि वो रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए, बाकी के डॉक्टरों का तो हमने सुन लिया। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, हम कांवड़ से होकर आए, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा और जांच के लिए रिपोर्ट पहुंची, और जो रिपोर्ट जांच के लिए गई बाबा की कृपा से उसमें कैंसर नहीं निकला। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, उसमें कैंसर नहीं निकला, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, जितने लोग टीवी के सामने बैठे हैं एलईडी पर, पहले आप पढ़ेंगे, पहले आप बोलेंगे कि हमको मालूम पड़े कि तुम पत्र पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्या लिखा है, आप गुनगुनाना चालू करो, क्या लिखा है, जम के बोलो जरा, तेरी तेरी कृपा बिना ना हिले, एक लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, भगवान पर करा हुआ भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। आपका दुख आपको मिटाना है, आपको शिवालय तक जाना है, आपको शंकर के दरवाजे तक जाना है, आपको शिव मंदिर तक जाना है, हम भी जाते हैं आप भी जाइए, हम भी भजन करते हैं आप भी करिए, आडंबर में ना पढ़ना है, दिखावे में नहीं पढ़ना है, व्यर्थ की बातों में नहीं पढ़ना है, ढोंग ढकोसले में नहीं पढ़ना, हमें तो भगवान के भरोसे रहे भगवान। और क्यों रोए, क्यों तकलीफ, तेरे सिर पर भोले ना फिकर फिर क्या, क्यों सोचना। चरित्र का रायशु महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है दुख किसकी किस्मत में नहीं है, दुख कहाँ नहीं है, सभी जगह पर, हर स्थान पर, प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में, प्रत्येक मानव के जीवन में तकलीफें आती जरूर, कष्ट आता जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं आए, बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। पार्वती जी का, माता सती का विवाह का कथा कल अपन ने श्रवण करी थी। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का इतना अपमान करा, इतना अपमान करा कि दरवाजे पर पुतला बनाकर खड़ा, दरवाजे पर शिव जी का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया, द्वारपाल बनाकर, दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा करा, और माता
सती को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर को दरवाजे पर पुतला बनाकर खड़ा करा है, उनका शिव जी का एक पुतला पाषाण। क्यों खड़ा करा दक्ष प्रजापति ने? पुतला इसलिए खड़ा करा कि आते जाते लोग देखें कि हमने शंकर भगवान को दरवाजे का द्वारपाल बनाकर खड़ा करा, हमने शिव जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा करा। केवल दुनिया के लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में शिव का अपमान कर रहे, ऐसे बहुत लोग हैं संसार में। शंकर भगवान का पुतला बनाकर खड़ा कर दिया, शिव जी का कुछ बिगड़ा क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। शंकर भगवान का कुछ बिगड़ा? नहीं। बिगड़ा किसका? जिस दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का पुतला बनवाकर दरवाजे पर खड़ा करा था, उस दक्ष प्रजापति का पूरा राज्य भी चले गया, सिर भी कट गया, बकरे का मुंह लग गया, उस दक्ष प्रजापति का पूरा की पूरा जीवन समाप्त हो। क्या होगा उससे? बड़े बड़े बहुत शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में एक बात हमेशा उतार कर रखना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखो। अच्छे व्यक्ति को बहुत गौर से, अच्छे व्यक्ति को बहुत गौर से मत देखो। जो तुम्हें अच्छा लगे ना, उसको बहुत गौर से, बहुत घूर कर, बहुत गौर से मत देखो। टकटकी लगाकर मत देखो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो तुमको अच्छा लगे, अच्छा लग रहा है जो तुमको, उसको ज्यादा गौर से नहीं देखना, उसको टकटकी लगाकर नहीं देखना, उसको एक दृष्टि से नहीं देखना। क्यों? अच्छे व्यक्ति को जब हम बहुत गौर से देखते हैं, बहुत गौर से देखते हैं, तो हम देखते देखते उसमें से कुछ ना कुछ बुराइयां निकालना प्रारंभ कर देते। अच्छे व्यक्ति को ज्यादा गौर से मत देखो। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई बुरा व्यक्ति मिल जाए तो उसको गौर से देखना प्रारंभ करो कि हो सकता है इसमें कोई अच्छाई मिल जाए जो इसकी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध करे। कुछ अच्छा देखिए, कुछ अच्छा देखने का प्रयास करो। जो तुमको बुरा लग रहा है, जो तुमको बेकार लग रहा है, जिसमें बहुत सारे खोट हैं, जिसमें बहुत सारा तुमने खोट देख रखा है, उसको अच्छे से देखिए, गौर से देखिए, उसको देखने का प्रयास करो, हो सकता है उसमें तुम्हें कुछ अच्छा ही दिख जाए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को गौर से नहीं देखा, बस यह देखा कि इसमें बुराई कितनी है, शंकर भगवान में बुराई कितनी है, भस्म रमाते हैं, जटा जूट बांधते हैं, मृग छाला पहन लेते हैं, ये कर लेते हैं, कोई ना कह दिया कि ऐसे हैं, कोई ना कह दिया वैसे हैं। आप शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाइए, आप शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाइए, दुनिया के लोग अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर आप अपने दरवाजे पर लिखोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से बोलोगे, शंकर का नाम बोलोगे, तो दुनिया के लोग आपसे ऑब्जेक्शन लेने लगेंगे। क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से? क्यों बोलते हो? क्या होगा? शंकर जी की कथा सुनने से क्या होगा? भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा? शंकर की स्तुति करने से क्या होगा? अर्थात उसमें खोट ढूंढने का प्रयास कर। इन्होंने शंकर को अच्छे से देखा नहीं है भैया। जिस दिन भगवान शंकर को तुम दिल से देखोगे, जिस दिन भगवान शंकर को तुम दिल से, आप अपने हृदय से भगवान शंकर को अपने भाव से, अपने निर्मल मन से जिस दिन संजोगे, उस दिन शिव आपके करीब नहीं होंगे। निर्मल मन,
अच्छे व्यक्ति को ज्यादा गौर से मत देखो, उसमें बुराई निकल जाएगी, और जो बुरा व्यक्ति है उसको एक बार गौर से जरूर देखो, उसमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर निकल जाएगी, वो अच्छाई उसकी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध कर देगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया, दरवाजे पर उनकी मूर्ति बना दी, शिव जी की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी, भगवान शंकर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी, शंकर भगवान की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी है, द्वारपाल बनाने के लिए दरवाजे पर खड़ा कर दिया। हुआ क्या, माता सती दौड़ कर गई और शंकर भगवान के गले में जयमाला पहना दी। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने आकर सती के साथ भगवान शिव जी का विवाह कर दिया। भगवान शंकर का विवाह हो गया, उसके बाद भी दक्ष प्रजापति को सुख का अनुभव नहीं हुआ। एक दिन यज्ञ रचा और उस यज्ञ में सबको बुलाया पर शंकर को नहीं बुलाया, शिव को नहीं आमंत्रित करा, भगवान शंकर को बुलाया ही नहीं, शिव जी को आमंत्रित ही नहीं करा। कारण क्या था, किस कारण से नहीं बुलाया? श्रीमान ये बक्से नहीं चल रहे हैं, ऊपर वाले कोई से भी, और प्रेशर खोलिए। क्यों नहीं बुलाया, कारण क्या था, कारण रहा क्या होगा, किस कारण से नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? उसका केवल एक कारण था, दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या का विवाह, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया था। चंद्रदेव अपनी एक अर्धांगनी रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे और वो प्रेम के कारण बाकी की 26 जो पत्नियां थी उन पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ी, उनसे उनका स्नेह नहीं था, प्रेम नहीं था। दक्ष प्रजापति ने बुलाया, समझाया, बुलाकर जब समझाया मानने को तैयार नहीं हुआ, एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीन बार समझाया, आखिरी में दक्ष प्रजापति ने कह दिया, चंद्रदेव मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें काया का रोग हो जाए, तुम्हारी काया गल गल कर जमीन पर गिरे, चंद्र को काया का रोग हो गया, काये के रोग में चंद्रदेव पड़ गए। बड़े दुखी थे क्योंकि शरीर में रोग ग्रसित हो गया था, शरीर में रोग पड़ गया, शरीर में रोग भारी पड़ गया, और काया का रोग जब आया, शरीर में काया का जब रोग आया, पूरा शरीर टपक टपक कर गिरने लगा। चंद्रदेव बड़े दुखी हो गए, किससे कहें, भगवान देवऋषि नारद बीच में मिल गए, नारद जी से प्रार्थना करी, मेरा शरीर बेकार हो रहा है, कोई असली गुरु, कोई असली संत, असली गुरु जो कभी निंदा में नहीं पड़ा हो, कभी छल में ना पड़ा हो, कभी प्रपंच में ना पड़ा हो, कभी गलत व्यसन में ना पड़ा हो, ऐसा असली गुरु अपनी जिंदगी में कोई मिल जाए जो तुम्हें सतमार्ग की ओर लेकर चले। देवऋषि नारद ने बता दिया, देवऋषि नारद ने कह दिया कि हे चंद्रदेव, तुम बालू का शिवलिंग बनाओ, बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करो, उसकी पूजन करो, और बालू का शिवलिंग बनाकर जब उसकी आराधना करोगे, पूजन करोगे, तो जरूर उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा, जरूर उसका फल मिलेगा, बनाओ बालू का शिवलिंग। बालू के शिवलिंग का चंद्रदेव ने निर्माण किया, और चंद्रदेव ने बालू के शिवलिंग का जब निर्माण करा, उसका पूजन करना प्रारंभ करा, इतनी पूजन में लीन हो गए चंद्रदेव, इतनी पूजन में लीन हो गए कि उनका चित्त वृत्ति कहीं और लगता ही नहीं था। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में अगर रोग हो गया है, शरीर में कैसा भी बड़े से बड़ा भी अगर रोग हो गया है, कैसी भी बीमारी शरीर के अंदर अगर लग गई है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रयास करो हफ्ते में, महीने में एक बार एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प और थोड़ी सी भस्म, शंकर भगवान को भस्म ना हो तो अभीर, अभीर आप लोग जानते होंगे गुलाल के साथ अभीर चलती है, अभीर श्वेत आती है, सफेद अभीर आती है, अभीर भगवान शंकर को समर्पित करो,
बहुत रोग ग्रसित हो गया, शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, छूटने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े इलाज करवा लिया, बहुत बहुत दिखा लिया, बहुत सब दूर इलाज करवाया, सब दूर दिखाया, पर मिटने को तैयार नहीं है, तो फिर अभीर का प्रयोग, एक चावल का दाना, एक श्वेत पुष्प और अभीर भगवान शंकर को समर्पित कर, शिव को समर्पित, महीने में या हफ्ते में एक बार भगवान शंकर को देना प्रारंभ कर, धीरे 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 शरीर का रोग अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा अपने आप। चंद्रदेव ने भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शिव की स्तुति में चंद्रदेव लग गए। भगवान चंद्रदेव जब शिव की स्तुति में लगे, शंकर भगवान उसी समय पर प्रकट हो गए। चंद्रदेव के सामने शंकर भगवान का प्रकट होना, शिव जी ने कहा, मांगो चंद्र, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या दूं, मैं तुम्हें क्या प्रदान करूं। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु आप जानते हैं सती मैया आपके साथ बिहाई हैं, दक्ष प्रजापति की 27 कन्या मेरे साथ में बिहाई हैं, इस संबंध से मैं आपका साडू भाई हुआ, इस संबंध से मैं आपका साडू भाई हुआ, आप पहचानते हैं, आप जानते हैं। शंकर भगवान बोले, हाँ मेरे स्मरण में है, मेरे स्मरण में। प्रभु बड़ा, ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया है काया का रोग का, और ये काया का रोग मुझे ग्रसित करते करते मेरा ये काया गल गल कर गिर रही है, मेरी काया गिर रही है, कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, चंद्रदेव तुमने मेरी आराधना करी है, विश्वास के साथ मुझे जल समर्पित करा है, तुम खाली नहीं जाओगे। शंकर भगवान सोमनाथ की कथा में वर्णन करते हैं, विश्वास के साथ एक लोटा जल जो मुझे समर्पित करता है उसके विश्वास को मैं जीवित रखकर उसका कार्य जरूर करने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता हूं, ये निश्चित है। एक पत्र है, मैं अंजू गुप्ता, पत्नी श्री अजय गुप्ता, हनुमान रोड फिरोजाबाद की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है, कहीं बैठी हैं अंजू जी गुप्ता, पत्नी अजय गुप्ता, अजय या अक्षय गुप्ता ऐसा कुछ लिखा है, रोड फिरोजाबाद, हनुमान रोड फिरोजाबाद की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है, और अगर बच्चे हैं हो साथ में तो लेकर आ सकते हैं। मेरी शादी को गुरुजी 5 साल निकल गए, 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं आया। हमने जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर के हिसाब से मेरे को चांस संतान के कम बताए। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें संतान हो नहीं सकती, जब बताया हम लोग दुखी हो गए, करे क्या। हमने आगरा में इलाज करवाया, फिर हम दिल्ली इलाज करवाए, मथुरा इलाज करवाए, हमने सब दूर इलाज करवाया, पर हमें संतान का सुख नहीं आया। इन 10 सालों में, 9 सालों में हमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां हम नहीं पहुंचे हों गुरुदेव। कई जगह पर हमने गोदी भी भरवाई पर कोई योग नहीं बना गुरुदेव। आखिरी में मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, सफेद आंकड़े की जड़ का बांधना, और सफेद आंकड़े की जड़ का बांधना और भगवान शंकर का व्रत करना, पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना, फुलेरा दूज के दिन शिव का दर्शन करना, और हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन किया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। जब मैंने हरतालिका तीज की फुलेरे का दर्शन करा, और फुलेरे का दर्शन कर मैंने बाबा से जब प्रार्थना करी, प्रार्थना करने के कुछ महीने ही बीते थे, और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से 17 जून 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 संतानों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक बेटा
एक बेटी ने जन्म लिया, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कराने के लिए लाई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी। अंजू गुप्ता, पत्नी श्री अजय गुप्ता, हनुमान रोड फिरोजाबाद में रहने वाले हैं। एक पत्र और है। गुरुदेव, मेरा नाम रुचि है, मेरे पति का नाम आशुतोष शर्मा है, मैं बिल्टीगढ़ मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर बैठी हो तो बच्चों को लेकर आ सकती हैं। गुरुदेव, कई साल शादी के निकल गए, समस्या थी संतान प्राप्ति की, औलाद नहीं थी। गुरुदेव, मैंने फिरोजाबाद, आगरा, दिल्ली डॉक्टरों को दिखाया पर कोई संतान का सुख नहीं आया। फिर मेरी माँ ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया, हम दोनों पति पत्नी के साथ पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, और मेरी माँ ने मुझे कुबेरेश्वर भगवान का विश्वास जताकर कहा कि अगर तुम बाबा पर भरोसा रखोगे तो ये पक्का है कि तुमको संतान देगा ही। गुरुदेव, हमने यूट्यूब पर कथा सुनना प्रारंभ करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा से भरोसा रखकर बाबा पर बाबा की विनती करना प्रारंभ करी। शिव मंदिर में जाते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, जल बाबा का पीकर आते और बाबा की कृपा से कई सालों के बाद मेरी पत्नी का गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से हमने दो बार पशुपति व्रत करे। गुरुदेव, दो बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांधी। हमें क्या मालूम था कि बाबा क्या चाहता है। बाबा ने हमको कई सालों के बाद जुड़मा दो पुत्र प्रदान करे। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकती हैं। रुचि शर्मा, पति का नाम आशुतोष शर्मा। शिव तत्व है और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिना जा रहा हूँ, उठा लो उठा भोले अपने दर से, अब तो लटा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो उठा। भगवान देवदत्त महादेव का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा, भगवान का पवित्र चरित्र कर, दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर दिया। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान कर दरवाजे पर खड़ा करा। दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद, अपने जमाई को श्राप दे दिया, काया का रोग हो गया, शरीर टपकने लगा, शरीर गिरने लगा। भगवान का भरोसा, शरीर जब गिर रहा है, टपक रहा है, बड़ा दुखी होकर शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना, और ऐसी भगवान शिव की आराधना करी कि भगवान शंकर ने काया के रोग से मुक्त कर दिया। काया के रोग से मुक्त किया, और काया के रोग से जब मुक्त किया तब भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। दक्ष प्रजापति के हृदय में जलन उत्पन्न होने लगी कि मैंने अगर श्राप दिया था चंद्र को तो शिव ने उसको ठीक कैसे करा। आ जाइए, अगर मैंने श्राप दिया है तो शंकर ने कैसे ठीक कर दिया। ये दक्ष प्रजापति के हृदय में ज्वलन पड़ गया।
के कमरे में आधा ही आती है। शिव पर करा गया भरोसा खाली नहीं, ये काया का रोग शिव ने ठीक कर दिया, शंकर ने जो सुना सुनते ही दक्ष प्रजापति का हृदय जल गया। दक्ष प्रजापति ने विचार कर लिया, कि अब चाहे कुछ भी हो, अब शिव मेरी सभा में नहीं आ सकते। कभी कभी किसी की प्रसिद्धि इतनी हो जाती है कि लोगों को सुहाती नहीं। शंकर भगवान ना बेकुंठ में रहते हैं ना ब्रह्मलोक में रहते हैं, शंकर भगवान ना इंद्रलोक में रहते हैं, शंकर भगवान की प्रसिद्धि इतनी थी कि अंदर से कई लोगों में ईर्ष्या भरा गई। शिव की प्रसिद्धि बस थी, शंकर की प्रसिद्धि, सहन नहीं हो रही थी। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनको शिव महापुराण की प्रसिद्धि, शंकर के मंदिरों की प्रसिद्धि, शिव मंदिर पर जल चढ़ाना, शंकर का भजन करना, आज भी कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। इसलिए आज भी लोग शिव महापुराण के पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे ये शिव पुराण को क्या। शिव की प्रसिद्धि दक्ष प्रजापति को ठीक नहीं लगी थी। शंकर भगवान ने मैंने श्राप दिया था चंद्र को, और चंद्र को श्राप दिया और शिव ने उसको ठीक कर दिया, शंकर मेरी सभा में नहीं बैठे, शिव मेरी सभा में नहीं आए। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात निंदा में, बुराई में, अपशब्दों में लगे रहते हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पीछे साइकिल पे बिठा कर कहीं जा रहा था घर की ओर, इतने में सामने से मोटरसाइकिल वाला आ गया और मोटरसाइकिल वाले ने साइकिल वाले को धर दिया। साइकिल पर पति पत्नी दोनों थे, दोनों नीचे गिर गए। मोटरसाइकिल वाला चिल्ला के दौड़ा, थोड़ा साइड से नहीं चल सकता, देख के नहीं चल सकता। अब गुस्सा तो पत्नी को इतना भयंकर आ रहा था कि देखकर खुद नहीं चल रहा और दोष मेरे पति को दे रहा। पत्नी इंतजार कर रही थी, बस मेरा पति एक बार इसको पलट कर जवाब दे दे, फिर मैं इसको चप्पल से ढूंढना चालू करूंगी। एक बार मेरा पति बस इसको जवाब दे दे, फिर इसका तो स्वागत मैं चप्पल से करूंगी अच्छी जोर से। पत्नी को गुस्सा आ रहा, मोटरसाइकिल वाले ने खूब अपशब्द कहे, खूब गालियां दी। साइकिल पर पति, बस पत्नी इंतजार कर रही थी एक बार मेरा पति इसको जवाब देना अच्छा जोरदार, फिर मैं चप्पल उठा के इसको ढूंढना चालू करूं। साइकिल वाला पति कुछ भी नहीं बोला, साइकिल उठाई, पत्नी को बिठाया, चल दिया। साइकिल वाला पति पत्नी को बिठाकर चल दिया। पत्नी को गुस्सा आ रहा था, पत्नी ने कहा, उसने तुमको इतना गंदा गंदा बोला, अपशब्द बोला, इतना ताने दिया, इतना आड़ा टेढ़ा बोला, तुमसे जवाब देते नहीं बना, एक शब्द तो बोल देते, बाकी का तो मैं निपट लेती। उसको इतना मारती कि मारते मारते उसके घर छोड़कर आती। तुमने कुछ भी नहीं बोला, वो तुमसे अपशब्द बोलता रहा और तुम साइकिल उठाए और चल दिया। पति ने कहा अपनी पत्नी से, सुन, जब अपन रोड पर से निकलते हैं ना तो कई कचरे की गाड़ियां भी निकलती हैं, ऐसी कोई कचरे की गाड़ी नहीं होती जिसमें बदबू नहीं आती। अपना क्या फर्ज है कचरे की गाड़ी के पास में से चलो, कचरे की गाड़ी से भिड़ो, कचरे की गाड़ी के पास खड़े रहो, क्या अपना यह फर्ज है? पत्नी ने कहा नहीं, अपना क्या फर्ज है कि कचरे की गाड़ी दिख रही हो तो थोड़ी दूरी बनाओ,
और फिर निकल जाओ। कचरे की गाड़ी का काम है बदबू मारना, वो बिना बदबू मारे रहती नहीं है। उसी तरह रोड पे कई कचरे की गाड़ियाँ भुड़ भुड़ करके चलती हैं, इनसे बचने का प्रयास करो। ये इतना अपशब्द बोलते हैं कि इनसे दूर रहना अच्छा है, क्योंकि इनका काम केवल बदबू मारने का है और हमारा काम बचने का। काली दे अपशब्द कहें, ताना दे आड़ा टेढ़ा बोलें, भगवान कृष्ण को गालियों पर गालियां मिली, भगवान कृष्ण ने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? भगवान को मालूम है कचरे की गाड़ी है, बहुत देर तक चिल्लाएगी, अपशब्द बोलेगी, बदबू मारेगी, चले। कचरे की गाड़ी से थोड़े दूरी बना लो, निंदा करने वालों से दूरी बना लो, अपशब्द कहने वालों से दूरी बना लो, आड़ा टेढ़ा बोलने वालों से दूरी बना लो। हम कचरे की गाड़ी के करीब में क्यों जाएं? किस लिए पहुंचे? कोई तुम्हारे को शंकर भगवान की निंदा करे और तुम वहां बैठे हो तो दुर्भाग्य है तुम्हारा। कोई फेसबुक यूट्यूब पर शंकर भगवान की निंदा करे और तुम पढ़ रहे हो, दुर्भाग्य है तुम्हारा। जवाब लिख कर देना चाहिए कि तू शंकर को जानता है, तू शिव को पहचानता है, तूने एक लोटा जल चढ़ाया है, कभी श्री शिवाय नमस्तु भ्यम बोल कर देखा है, कभी ओम नमः शिवाय, कभी पंचाक्षर मंत्र, कभी षडाक्षर मंत्र का स्मरण किया है, कभी शंकर की विरल भक्ति को जाना है तूने। शिव को पहचानने वाला कभी शंकर को अपशब्द नहीं कहता, वो तो केवल जन्म लिया है कचरे की तरह कि उसको बदबू मारना, केवल बदबू मारने के लिए उसका जन्म हुआ। और फिर निवेदन है, शिव के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, कोई अपशब्द कह रहा है, अपने कानों को बंद करो, शंकर की भक्ति करो और अपने घर वापिस जाओ। शिव निंदा ना तो सुनना है ना करना। शिव भक्ति को धारण करो। दक्ष प्रजापति ने शंकर का अपमान कर दिया, सभा लगी, शिव को श्राप दे दिया, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान तो भी खुश है, शंकर जी तो भी खुश, मैं शमशान में हूं ना तो भी मुझे आनंद है, मुझे खुशी है। वो प्रसन्नता, महाराज, और यही आनंद है, यही खुशी है। हम जहां ठहरे हैं वहां बहुत सारे फ्लैट हैं, सबका अलग 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 अलग, सबके घर में पकवान बनता, एक जगह इकट्ठा होता। आज हमने ये बनाया, आज हमने वो बनाया, आज भगवान को ये भोग लगाना है, आज भगवान को भोग, प्रसन्नता का भाव। हर चीज में अच्छाई देखने का जब हम प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, बहुत स्मरण आनंदमय बात है, बहुत अच्छी बात है, हम अच्छाई देखते क्यों नहीं है, हम अच्छा ढूंढते क्यों नहीं? दक्ष प्रजापति को श्राप लग गया, दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को श्राप दे दिया, तुम शमशान में निवास करोगे, शिव प्रसन्न हो गए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, जिसने मुझे प्लाट भी दिलाया तो शमशान में दिलाया, क्योंकि आज के जमाने में प्लाट पर कब्जा जल्दी होता है, पर शमशान में कब्जा कौन करता है, शमशान में कौन कब्जा करेगा? मेरे ससुर ने मुझे शमशान में मकान बनाने का बोला। शिव शमशान में, शमशान जहां पर सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है। अमीर भी जाएगा तो बांस पर, गरीब भी जाएगा तो बांस पर, अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, जो जाएगा राख का ढेर बन जाएगा। जहां सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान। हाँ, तुम्हारे फिरोजाबाद का हम नहीं कह सकते, तुम्हारे यहाँ काम नहीं कह सकते कि भाई हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ बांस की जगह डनलप के गद्दे पे जाते हो। हमारे यहाँ तो सेठ भी जावे तो बांस पर जावे और गरीब भी जावे तो बांस पर जावे, क्योंकि शंकर के दरवाजे पर भेदभाव नहीं होता, शंकर के दरवाजे पर सब सम होते हैं, इसलिए उसका नाम शमशान होता। शिव के दरवाजे पर भेदभाव नहीं होता, सब समय
और मेरे भोले तेरा सहारा। शंकर सबके लिए है, शिव सबके लिए, शिव किसी एक व्यक्ति के लिए, सबके लिए। कितना कितना प्रसन्नता का विषय देखिए, जहां शिव महापुराण की कथा में जहां पूरा पंडालों में, पंडालों के बाहर जहां जहां तुमको जगह मिल गई, बैठ गए, कथा सुनी। आज कथा तीसरे दिन की हो जाएगी, कल कथा का चौथा दिन, मतलब शिव महापुराण में 5 दिन की कथा होती है तो चौथा दिन, 7 दिन की कथा होती है तो छठा दिन, कौन सा माना जाता है, जम के बोलो जरा, शिवरात्रि का दिन माना जाता है। तो कल हमारे कथा के भाव से देखा जाए तो कल हमारी कथा का शिवरात्रि का दिन रहेगा, और परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। आप अपने घर, हम बाबा के घर, भक्ति के साथ में। कल कथा का समय वही रहेगा, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों के दिन कथा 5वें दिन की जो कथा रहेगी इस पावन प्रांगण में सुबह 8 से 11 रहेगी, पर टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक सुनेंगे, धारण करेंगे। शिवरात्रि का दिन चौथा दिन ऐसा रहता है और 5वां दिन ऐसा रहता है कि शिव भक्त रात रात भर गाड़ियों से चलते हैं और बाबा की कथा में पहुंचते हैं। अब ये 3 दिन तो जैसे तैसे बाबा ने खूब आराम से भक्ति के साथ, प्रशासन ने भी खूब जोरदार व्यवस्था कर, समिति ने बहुत अच्छे भाव से इसको आयोजित कर लिया। 2 दिन, चौथा और 5वां दिन, कल का दिन शिवरात्रि का माना जाता है और 5वां दिन विराम का माना जाता है। और आप तो धन्य हो जो पंडाल के अंदर बैठे हो, कल का और परसों का नज़ारा मालूम पड़ेगा आपको कि छाते छाते पूरे चारों तरफ खेत ही खेत में दिखेंगे, छाते ही छाते। शिव भक्ति, आप अविरल भक्ति को धारण, शिव तत्व को धारण। और बस एक निवेदन आप सबसे रहेगा कि कथा सुनने के लिए आओ या कथा के बाद यहाँ से जाओ तो बहुत सावधानी से जाइए, मेन रोड है, धीरे धीरे चलना चाहिए, हाथ पकड़कर चलना चाहिए, रास्ते से चलना चाहिए, बच्चों को बुजुर्गों को साथ लेकर चलना। प्रशासन अपनी पूरी व्यवस्था रखा है, पर आपकी व्यवस्था, आपकी दृष्टि, निगाह हटी, जम के बोलो जरा, निगाह हटी दुर्घटना घटी, इसलिए निगाह नहीं हटना। बहुत सावधानी से कथा का स्तत्व ग्रहण कर। शिव पुराण कह रही है, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान शंकर को, तुम शमशान में निवास करोगे। शिव जी शमशान में रहने लगे, समय बीता, माता सती अपने प्राणों को त्याग दी, पार्वती के रूप में विख्यात हो गई। माता पार्वती और शंकर जी का मंगल विवाह हो गया, शिव पार्वती का विवाह हो गया, शंकर जी दूल्हा बन गए, पार्वती दुल्हन बन गई, शिव जी दूल्हा, पार्वती दुल्हन बनकर दोनों निवास करने लगे, कैलाश धाम पर आनंद से रहे। समय बीता, दुनिया के लोग कहते हैं क्या भगवान पर भी कष्ट आता है, क्यों नहीं आता। शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर, जिसको, जिसने वर मांगा था कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा, तारकासुर को वर था शिव के पुत्र के द्वारा। अब पार्वती मैया का संतान होना, पार्वती मैया की संतान की प्राप्ति, जैसे ही मालूम पड़ा तारकासुर को कि शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता पार्वती का, हर हर महादेव।